हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नैना शर्मा। यू आर वाचिंग माय चैनल माइंड नैना क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दो अक्षर के शब्द बनाने सिखाए थे, कैसे हम बच्चों को दो अक्षर के शब्द पढ़ा सकते हैं। तो आज उसी से ही रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम घर बैठे ही बच्चों को दो वर्ण वाले शब्द की घर पर बैठे ही हम प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जोड़कर दो अक्षर वाले शब्द बनाओ, जैसे कि न ल। इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनता है, न ल नल। क्या बना, न ल नल। ज ग जग, ज ग जग। क प कप, ह ल हल। देखिए ट ब, अब ऐसे ही बच्चा लिखिएगा, ट ब तब। प र पर, ड र डर, द स दस। कुछ ऐसे ही यहां पर मैंने वर्ड्स लिखे हैं, ब स बस। ऐसे हम घर बैठे बच्चों को वर्कशीट बनाकर दे सकते हैं और बच्चा इसे खुद सेल्फ सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पर जैसे ही बच्चे को देखिए थोड़े शब्द बनाने आ जाएंगे, तो उसे थोड़े थोड़े वर्ड से हमें दो अक्षर वाले शब्द को पढ़ना सिखाना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है स्वर और व्यंजन, यानी कि अ से अनार और क से कबूतर की पहचान होना। बच्चों को क से कबूतर और अ से अनार की पहचान होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो वरना बच्चा जो है कर नहीं पाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। व क वक, च ल चल, ज ग जग, ड र डर, ह स हस, क ब कब, क ह कह, न थ नथ, च ल चल, व ह वह। तो ये यहाँ पर कुछ और दो अक्षर वाले शब्द है जिसे बच्चा बोलेगा, प्रैक्टिस करेगा तो उसे बोलना दो अक्षर वाले शब्द आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य। अब बच्चों को जब ये देखिए, जब ये छोटे छोटे वर्ड से ये दो अक्षर वाले शब्द पढ़ने आ जाएंगे, तो बच्चों को हमें और प्रैक्टिस कराने के लिए छोटे छोटे वाक्य पढ़ाने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, अब अब, घर घर, चला चल। ये देखिए यहाँ पर छोटा सा वाक्य है, अब घर चल, ये है वाक्य। दस तक तक, पढ़ा पढ़, दस तक पढ़। घर घर, चला चल, घर चल। ज य जय, ख त खत, पढ़ा पढ़, जय खत पढ़। इसी तरह यहाँ पर भी कुछ वाक्य दे रखे हैं छोटे छोटे, आप कुछ भी लिख सकते हो, तो इसे बच्चा बोलकर प्रैक्टिस कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, चित्र देखकर वाक्य पूरे करो। यानी कि हम यहाँ पर बच्चों को पिक्चर बना के देंगे और बच्चा पिक्चर को रिकॉग्नाइज करके दो अक्षर वाले शब्द लिख सकता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर पिक्चर बनी है घर की, तो हम बच्चे से बोलेंगे यहाँ पर घर लिखो पिक्चर देखकर, तो बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है ऐसे, घ र घर, चला चल। तो ये हमारा वाक्य बन गया और ये हमने सेंटेंस भी पूरा लिख दिया है, फिल कर दिया है, घर घर चला चल। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, ये पिक्चर है दस दस, दस दस, दस तक पढ़। यहाँ पर देखिए पिक्चर, ब स बस, बस पर चढ़। यहाँ पर मैंने कुछ और पिक्चर बना रखी है, देखिए जैसे कि ये बना रखा मैंने खत, तो बच्चा यहाँ पर लिखेगा खत पढ़। टब टब, टब भर, जगा जग, भरा भर। तो ऐसे ही हम कुछ और पिक्चर बनाकर, कुछ दो अक्षर वाली पिक्चर्स बनाकर बच्चों को घर बैठे ही प्रैक्टिस करवा सकते हैं। चलिए कुछ ऐसे ही और आपको दिखाती हूँ एक्सरसाइज, कैसे हम घर बैठे बच्चों को सॉल्व करा सकते हैं दो अक्षर वाले शब्द। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ वर्ण लिखे हैं, क न ज प फ, और यहाँ पर मैंने एक वर्ण लिखा है ल। तो हमें इनको आपस में जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। देखिए लिखा है ना, जोड़कर नए शब्द बनाओ। फॉर एग्जाम्पल जैसे क, क के साथ में मैंने ल वर्ण जोड़ा तो क्या बन गया, क ल कल। न
ला नल, जा ला जल, पा ला पल, फा ला फल। नेक्स्ट है मिलान करो, यानी कि यहाँ पे कुछ मैंने दो अक्षर वाले शब्द लिखे हैं और इसी से रिलेटेड यहाँ पर पिक्चर्स बनाई गई है, तो इनको पढ़कर हमें पिक्चर से मैचिंग करना। बच्चों को यह वाला वर्क बहुत पसंद आता है, मैचिंग एक तो बहुत इजी होता है, प्लस इसके अंदर जो पिक्चर्स बनी होती है उन्हें बहुत ही अट्रैक्ट करती है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ज ग जग, तो हमें जग की पिक्चर ढूंढनी है, कहाँ पर है ये रही, तो जग को जग से मैचिंग कर देंगे लाइक दिस ऐसे। नेक्स्ट है क प कप, बच्चे से कि हम कहेंगे कप की पिक्चर कहाँ है, तो बच्चा देख कर झट से बता देगा ये रहा हमारा कप, तो इसे हम मैचिंग कर लेंगे। नेक्स्ट है बस बस, दस दस, टब टब, नाला नल, हस हस, एक एक। नेक्स्ट है चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला करो, यानी कि पिक्चर्स को देखना है, उससे रिलेटेड यहाँ पर मैंने कुछ दो अक्षर वाले शब्द लिखे हैं, जो पिक्चर का नाम है यहाँ पर हमें उसका सर्कल कर देना। देखिए जैसे कि यहाँ पर मेरी पिक्चर है दस की, तो दस की हमें दो अक्षर वाले शब्द की पहचान करनी है। दस कहाँ लिखा है, ये लिखा है रसा रस नहीं, बस बस ये भी नहीं, दस दस ये है हमारी दो अक्षर वाले शब्द सही दस, तो हम इस पर सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है घरा घर, ये देखिए बच्चा देखेगा पढ़ेगा घरा घर सर्कल, ये पिक्चर है हल हाला हल, इस पिक्चर का नाम है कापा कप, ये देखिए छापा छप ठापा ठप कापा कप। नेक्स्ट है टब टाबा टब, नल फला फल नाला नल। नेक्स्ट पिक्चर है देखिए, ये होता है वन, जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं उसे हम जंगल कहते हैं, और जंगल का दूसरा नाम क्या होता है वन, वाना वन, जग जागा जग, बस बासा बस, ये है पारा पर। नेक्स्ट है खाली स्थान भरो, यानी कि हमें पिक्चर देखकर उनके एक वर्ण मैंने लिखा है एक वर्ण बच्चा लिखेगा, तो इसे हम ऐसे भी पूरा करवा सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे पिक्चर बनी है एक की, तो ए क, क यहाँ पर नहीं लिखा तो बच्चा यहाँ पर क वर्ण लिखेगा क, ए क एक। नेक्स्ट है जग ज ग जग। नेक्स्ट है कप क प तप टब ट ब टब, हस ह स हस, दस द स दस, व न वन, और ये है खत ख त खत, यह घर घ र घर, फल फ ला फल, ना ला नल। तो दोस्तों ये थी कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट हमारी हिंदी की, जिसे हम घर बैठे बच्चों को खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस करा सकते हैं, और आई एम श्योर बच्चा बहुत जल्दी सीख भी जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।